हेलो जनता, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम टू ड्यूटोल वाला, मैं हूं ड्यूटोल आपके साथ। तो आज आप देखने जा रहे हैं रशियन का ड्राइवर यूएसजेड हंटर की 11th पार्ट। तो हमने इस गेम में बहुत सारे जॉब्स को ट्राई किए, पर एक जॉब हमने अभी तक नहीं ट्राई किया जो है ड्राइविंग जॉब। मैंने बहुत सारे पैसेंजर को लिफ्ट दिया था, पर वो सब मेन कोर्स के अंदर नहीं आता है। उसके लिए आपको अलग से एक लाइसेंस चाहिए टैक्सी का, जो कि मिलेगा आपको ड्राइविंग स्कूल पे। इसलिए हम आ चुके हैं आज ड्राइविंग स्कूल पे। और वो लाइसेंस लेने के बाद ही हमारे फ़ोन में जो एक ऐप है जिसका नाम है टैक्सी, यहाँ पर आके ही हम मतलब हमारे लिए जो उबर बुक करते हैं लोग ना, उसके लिए हम जा सकते हैं। अभी उसके लिए लाइसेंस चाहिए। ये बेसिकली जो उबर का सिस्टम है ना, उसमें ही आता है। तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस चाहिए। तो आ चुके हैं हम अब ड्राइविंग स्कूल पर, जैसे कि आप जानते देख ही पा रहे हैं। तो अब चलते हैं सीधा ड्राइविंग स्कूल के मेन जगह पर वापस जाके। हमारा जो लाइसेंस उसे पहले खरीदना पड़ेगा। और पिछली वाली जो लाइसेंस है ना, दो हमने वो ए कैटेगरी या बी कैटेगरी वो सब हमने कंप्लीट कर दिया। अब सी कैटेगरी पे हमारा टैक्सी, तो वो सब खरीदना पड़ेगा। देखो ए कैटेगरी सब कुछ कंप्लीट है जैसे जानते हो, बी कैटेगरी भी हमने कंप्लीट कर दिया। और अब है सी कैटेगरी मतलब जो है टैक्सी, तो इसे खरीदते हैं। इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो है 30,000 रूबल। तो इसके लिए हम इसे बाय करते हैं और फिर हम यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं। एक नंबर एग्ज़ाम, तो हम 4-5 एग्ज़ाम देंगे। तो चलते हैं यहाँ पर से। हमने कैमरा एंगल चेंज कर लिया, तो अब समझ गया ओ शायद से ये इस कैमरा एंगल पर ही चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर गोल है 15 सेकंड्स का। अब देखते हैं हम कितने सेकंड्स में पहुँच पाते हैं। यहाँ पर से पहुँच गए, अब हम आधे में ही ख़त्म कर दिए, मतलब 8 सेकंड। तो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट मिशन। अब सेकंड की बारी है, तो देखते हैं ये कितने सेकंड्स में देखना पड़ेगा पहले मुझे। देख जाओ यहाँ पर से 25 सेकंड्स। यहाँ पर से कैमरा एंगल मैंने चेंज किया था, पर फिर से कैमरा एंगल को चेंज कर दिया उन्होंने। मतलब इसे हमको इस कैमरा एंगल से ही खेलना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पर हम लगभग पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर से राइट, ओ यहाँ पर से एक प्लांट लग गए 3 सेकंड का। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं 21 सेकंड्स में थर्ड एग्जाम। तो देखते हैं ये कितने था, मुझे देखना नहीं दिखा नहीं मैंने ठीक से। तो ये है 25 में। तो चलते हैं सीधा, अब यहाँ पर से हमें लेफ्ट मिलना पड़ेगा। ये जो सारे हैं ना, ये इजी ट्रैक्स है, तो यहाँ पर हम आसानी से जो गोल ले सकते हैं। तो देखते हैं, ये तो बहुत ही आसान है शायद से। यहाँ पर कोई डाउन गियर का इस्तेमाल नहीं, कोई अदर चीज़ नहीं है। तो ये तो सारे इजी था। और यहाँ पर फिर से हमने जो हमारा एग्ज़ाम है उसमें हम गोल लाए हैं 21 सेकंड में। तो अब है फोर्थ एग्ज़ाम। तो देखते हैं ये शायद से, हाँ ये थोड़ी टॉप एग्ज़ाम आए हैं। तो ये हमारा लास्ट एग्ज़ाम होगा, उसके बाद हम जाएंगे हमारा जो मेन मिशन है उसके तरफ। तो चलते हैं सीधा, अब देखते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी देख पा रही है जैसे कि डाउन गियर का इस्तेमाल है। तो देखते हैं अभी, यहाँ पर से हमने ले ली लिफ्ट और फिर से यहाँ पर से बहुत ही एक खतरनाक सा टर्न है यहाँ पर। और फिर से एक बार यहाँ पर जल्दी से हमें डाउन गियर को इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हो चुका है, अब ऊपर की तरफ चढ़ जा। और यहाँ पर फिर से हमें टाइम मिल चुका है। यहाँ पर 10 सेकंड का जो है घट जाएगा यहाँ पर से हमारा मेन टाइम से। यहाँ पर से ब्रेक लगाना पड़ेगा। रुक जा। अब हो चुका है, ओ यहाँ पर ईजी था। ओ तो यहाँ पर हमने फिर से शायद से गोल को क्रैक कर लिया। यहाँ पर से हमें 25 में डन कर दिया। अब यहाँ पर से बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पर से देखो, दूसरा में हमें लाइसेंस तो नहीं मिला उसके दौरान, मुझे शायद से अभी नहीं देखा वो जॉब। देखते हैं यहाँ पर क्लिक, नहीं यहाँ पर से नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें जो है पूरा का पूरा क्या कहते हैं उसे लाइसेंस को कम्प्लीट करना पड़ेगा, मतलब टास्क को, एग्ज़ाम को। तो उसे हम अभी नहीं करेंगे, बाद में कभी करेंगे, नेक्स्ट वीडियो तक हम कर देंगे पक्का, ठीक है। तो अब चलते हैं सीधा मेन मिशन की तरफ। तो यहाँ पर हम कार में आ चुके हैं, अब देखते हैं चलते हैं सीधा मेन मिशन की तरफ। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हमारे घर में। और यहाँ पर से आप जानते हैं आगे के कार्यक्रम, वो हम जाएंगे खाएंगे, उसके बाद हम सोएंगे, ये सब भी करेंगे। तो अब से मिलते हैं अगली सुबह। ये लास्ट वाला करता है, इसके बाद जो हमारा मिशन है उसे आपको फुल दिखाएंगे, इसलिए ये सब करना पड़ रहा है। तो अब से मिलते हैं नेक्स्ट डे पे। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग गाइस। तो यहाँ पर हो चुका है नेक्स्ट डे। तो अब चलते हैं कार में, आप जाएंगे सीधा वी मिशन पे। यहाँ पर सामने की तरफ हमारे अंकल बैठे हुए हैं, जो कि हर वक्त बैठा रहता है पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर सीधा चलते हैं मिशन की तरफ। और जाते जाते पिछली मिशन की थोड़ी याद दिला देता हूँ आपको। तो पिछली वाले मिशन में हमारा एक फॉन्ड मैन से झमेला हो चुका था, और उनसे मैं जो हमारा वर्कर्स है उनको छुड़ाया था। और हम गए थे प्राइमो सिटी के एक लोकेशन पे जहाँ पर वो लोग काम कर रहे थे, तो वो सब हमने किए थी। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन। और यहाँ पर मिशन स्टार्ट हो चुका है। अब टास्क अपग्रेड फाइंड वेसली इन दिस स्पेसिफिक लोकेशन। तो किसी एक लोकेशन पे वेसली है हमारा दोस्त। तो यहाँ पर हम कहाँ पर आ चुके हैं फिर से, ओ घर में आ चुका है। यहाँ पर से अब जाना पड़ेगा हमें गैरेज में। अब गैरेज में रखा हुआ है हमारा कार, देखा अभी तक भी हमारा जो अंकल है वहाँ पर बैठा हुआ है। एक बार रात में आके मैं चेक करूँगा वहाँ पर बैठा रहता है कि नहीं। तो सामने की तरफ एक लेक है, मतलब साउथ सिटी के तरफ, उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। तो चलते हैं। और इस टास्क का नाम है हॉट वीकेंड, कितना हॉट है देखना पड़ेगा। तो अब इससे यहाँ पर अटक गया हमारा कार। अब चलते हैं सीधा उस लेक की तरफ, अब जाके यहाँ पर देखना पड़ेगा।
तो यहाँ पर हम बात चुके हैं 18 से ये जो मिशन है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर ये काऊ भी है। अब क्या क्या कमेंट्री दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर मुझे बंद करना पड़ेगा। आप सीधे चलते हैं उस मिशन की तरफ। अब मैं स्किप करूँ या ना करूँ मुझे पता नहीं, शायद से मुझे थोड़ी सी स्किप करना चाहिए। अभी तक जो है मिशन स्टार्ट नहीं हुआ, तो चलते हैं सीधा वहाँ पर और वहाँ पर जाके आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं उसी जगह पे। ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर एक मतलब रियल एस्टेट है। यहाँ पर एक इस जगह को मैं खरीद सकता हूँ, इसका जो रेट है बहुत ही ज़्यादा है, मतलब रेंट पे ले सकता हूँ, वो मैं बाद में दिखाऊंगा। अभी शायद से मिशन चल रहा है तो नहीं दिखाएगा। यहाँ पर होता है एक लाल कलर का यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बोर्ड भी है, यहाँ पर देखो रशिया का फ्लैग भी है। तो सामने की तरफ शायद से, हाँ यहाँ पर वैसली है। अब देखते हैं टॉक टू वैसली, 1 2 3, एक खा रहा है और नीचे 2, वाओ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं देखते हो, हेलो यू सी हैव नॉट फॉरगॉटन दिस प्लेस येट, यू डू रिमेंबर हाउ वी यूज टू केम हेयर ऑल द टाइम फॉर फिशिंग, नाउ एवरीथिंग हैज चेंज हेयर एंड इट्स रियली हॉट टूडे, इट्स लेट्स हैव ए ड्रिंक टू आवर रिलेशन, नो अनदर टाइम। अभी मैं खा सकता हूँ या नहीं खा सकता हूँ, पर मैं अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं ड्राइव करूँगा। तो यहाँ पर वेल इट्स टाइम टू हेट होम, वाट आर यू प्लान्स, वेल विल यू गिव मी ए राइट होम, गेट इन द कार आई विल टेक यू। तो इसे घर छोड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं वो थैंक यू उस शेप में, बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू वे बैक होम, आई विल जस्ट रैप माई फिशिंग रॉड एंड वी कैन गो, गुड ओके चलते हैं। तो इसे पहले घर छोड़ना पड़ेगा, इसे टेक वेसली होम। तो यहाँ पर चलते हैं, ये मुझे दारू पिलाने की कोशिश कर रहा था, किसी प्लानिंग में था, मजाक कर रहा हूँ, ये मेरा दोस्त है। तो इसे जल्दी से ले चलते हैं हमारा जो घर है वहाँ पर। आप चलते हैं सीधा घर की तरफ, पीछे की तरफ घर है। यहाँ पर एक कमल की लोकेशन है, मतलब देख ही पा रहे हैं आप। यहाँ पर एक क्या कहते हैं बोट वगैरह है, यहाँ पर एक रियल इस्टेट मतलब पार्क है जिसे क्या कहते हैं रेंट पे ले सकते हैं हम। तो उसे हम बाद में खरीदेंगे क्योंकि इसका जो प्राइस है बहुत ही हाई है। तो देखते हैं इस वाले मिशन पे मतलब पार्ट पे हम ट्राई करेंगे हमारा जो कार है इसे मॉडिफाई करने के लिए। हमारा जो कार है बहुत ही नॉर्मल टाइप का दिखता है, तो इसे थोड़ी सी रंगीन करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सामने की तरफ, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा ड्राइव करते हुए, तो यहाँ पर चलते हैं सीधा हमारे घर की तरफ। यहाँ पर फिर से मुझे थोड़ी सी स्किप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही लंबा हो रहा है वीडियो, तो थोड़ी सी स्किप कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम उठते हुए जा रहे हैं। डू यू सी स्मोक ऑन द होराइजन, इट्स दैट फ्रॉम आवर विलेज, लेट्स दे प्रोबेबली नीड हेल्प, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स हैपेंड। ओ यहाँ पर इसने कहीं से धुआं उठते हुए देखा है, शायद से ये हमारा विलेज से है। तो चलते हैं सीधा विलेज में, शायद से वहाँ पर आग लग चुका है। वही मैं कहूँ इतना ईजी मिशन तो मुझे नहीं देखा। तो यहाँ पर 9 मीटर की मतलब 900 मीटर की दूरी पे ही है। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, यहाँ पर से हम लेफ्ट राइट में जा सकते हैं, पर यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर ओ यहाँ पर देखो फायर ब्रिगेड वगैरह आ चुका है। यहाँ पर शायद से हमें आग बुझाने के काम करना पड़ेगा। यहाँ पर से उतर गए हम सामने की तरफ। ओ यहाँ पर से कार लाना पड़ेगा, आशीट यहाँ पर से कैसे लाए, फिर से हमें बैक करके जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर से उतर के चला जाना, शायद से हमें फिर से जाना पड़ेगा। तो चलते हैं यहाँ पर से, मैंने इंजन को स्टॉप कर दिया था पता नहीं क्यों। यहाँ पर से पीछे की तरफ लड़ते हैं, आप सीधे चलते हैं उस तरफ। ओ यहाँ पर देखो कितना आग फैल चुका है। तो जल्दी जल्दी हमें वापस जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, हम इस गेम का हीरो है तो हमें ही बुझाना पड़ेगा आग को। और वैसे भी ये हमारा होम विलेज है तो ये मेरा फर्ज बनता है। तो यहाँ पर चलते हैं सीधा वहाँ पर, अब जाके देखते हैं। यहाँ पर से राइट में हम लेफ्ट में आ चुके हैं, अब सीधा चलते हैं। यहाँ पर फिर भी अंकल बैठा हुआ है, कैसा अंकल है ये। अगर पीछे की तरफ आग लग चुका है थोड़ी, तो देख के तो आओ, हेल्प वगैरह ना कर पाओ फिर भी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं उस जगह पे, अब देखते हैं यहाँ पर से कार को पार्क कर देते हैं, शायद से हमें कुछ मिशन वगैरह मिलेंगे। ओह यहाँ पर से आगे चला गया, थोड़ी सी पीछे ले ले जल्दी से, हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। यहाँ पर से हम आ चुके हैं, यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन क्या है। यहाँ पर से दी फायर फाइटर्स से दैट द वाटर इज रनिंग आउट एंड देयर आर प्रोबेबली गैस सिलेंडर इनसाइड, देयर इज रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, वी नीड टू अर्जेंटली बियर मोर वाटर, देयर इज ए बैरल इन द पेट्रोविच, लेट्स गो टू हिज गैरेज, आई एग्री लेट्स गो। यहाँ पर से हमें पेट्रोविच की गैरेज में जाना पड़ेगा शायद से, या तो जगह है कुछ वहाँ पर जाके हमें वाटर लेना पड़ेगा। यहाँ पर से टेक बैरल फ्रॉम द नेबर, यहाँ पर से सामने की तरफ एक जगह है वहाँ पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर से हमें एक बैरल लेना पड़ेगा। यहाँ पर से मेरे साथ हमारे जो फ्रेंड है वो भी है, शायद से ये उसका घर है। यहाँ पर मैं किस तरफ घुमा रहा हूँ यार, मुझे बताते। तो यहाँ पर हम आज उस जगह पर चलते हैं सीधा, और यहाँ पास में ही है तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं, शायद से हमें एक बैरल देगा। हे गाइस नो प्रॉब्लम एंड टेक द बैरल, आई विल गेट इट आउट फॉर यू, हु की टॉप पिक अप द बैरल। तो वैसे हमने जो बैरल है उसे उठा लिया यहाँ पर से। ये
वाटर बैरल है, मुझे तो ये मतलब ऑयल बैरल लग रहा है, देखते हैं ये कौन सा बैरल है। जो भी है हमें जल्दी से जाके जो क्या कहते हैं उसे वाटर को लाना पड़ेगा। सामने की तरफ एक लेक भी है हमारे विलेज की नियर में, तो चलते हैं उस जगह पे, वो 2 किलोमीटर पे है। तो अब हम कुछ काट वगैरह नहीं करेंगे, हमें जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा नहीं तो वो जो गैस है वो फट जाएगा। तो वो पर वो कह रहा था कि जल्दी जल्दी हमें जो वाटर है उसे लाना पड़ेगा, नहीं तो उसके अंदर जो जिस घर में आग लग चुका है उस घर के अंदर एक गैस का टैंक भी है तो फट जाएगा। अच्छी घर में मतलब आग लगी है। तो चलते हैं सीधा वहाँ पर, अब जाके देखते हैं सामने की तरफ एक ट्रेन भी जा रहा है। शीट यार, हमें नहीं रुकना है सामने की तरफ, वहाँ पर एक कच्ची रास्ता है, वहाँ पर से जाना पड़ेगा थोड़ी सी आगे की तरफ। तो चलते हैं उस जगह पर, यहाँ पर से देखो अभी ओ यहाँ पर खुल चुका है, पर यहाँ पर से हमने घुमा दी, तो यहाँ पर से चलते हैं सीधा। अभी हम स्पीड में जाएंगे, बहुत ही स्पीड में, जितना जो स्पीड में हो सकता है। यहाँ पर से थोड़ी सी हमने ब्रेक लगा ली क्योंकि हमें यहाँ पर लेफ्ट जाना पड़ेगा, यहाँ पर से हम आ चुके हैं। अब फिर से 2 रास्ता है, यहाँ पर से राइट और लेफ्ट साइड से लेफ्ट में जाना पड़ेगा हमें। देखते हैं, एक रिक्स लिखते हैं, लॉन्ग कार्ट हमने ले लिया, बस लेफ्ट में जाते तो शायद से ईजी होता, मतलब राइट में जाते। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं उस जगह पर, अब देखते हैं ओ, हम ठीक जगह पे आए हैं शायद से। यहाँ पर एक ब्रिज है तो शायद से हमें ब्रिज के ऊपर उठना पड़ेगा। हम राइट डायरेक्शन पे आए हैं तो यहाँ पर जल्दी, यहाँ पर शायद से आपको एक कटआउट देखने को मिलेगा क्योंकि मेरा एक दोस्त हमें मुझे कॉल किया था। तो यहाँ पर ब्रिंग द वाटर टू द विलेज, यहाँ पर मुझे वाटर को विलेज में ले जाना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पर से मैं बुरा फंस गया यार, यहाँ पर से निकलने में बहुत टाइम लगेगा मुझे क्योंकि पीछे की तरफ बैरल है ना, इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही घटिया चीज़ है, मतलब वो होता ही नहीं। रुक जा रुक जा रुक जा, इतना मत जा, थोड़ी सी सामने, थोड़ी सी पीछे, थोड़ी सी बाएं, और ये निकल गई शायद से, निकल जा, हो गया, निकल गया है बस से हमारा जो कार है वो। तो अब चलते हैं सीधा इसे ले जाते हैं फुल स्पीड में हमारे जो घर जुको विलेज, वहाँ पर जाके ये जो पानी का टैंक है ना इसे उसके ऊपर फेंक देंगे ऊपर से, जिससे कि एक ब्लास्ट हो और ब्लास्ट के दौरान जो आग है वो बुझ जाए, क्योंकि ये पानी का ब्लास्ट है तो आग शायद से बुझ जाएगा। शायद से ये सब नहीं होगा क्योंकि मेरा सिर्फ काम है इस कार को, मतलब ये जो वाटर टैंक है इसे सिर्फ ले जाना। तो यहाँ पर हम मेन रोड पे आ चुके हैं, अब से चलते हैं हमारा घर में, वहाँ पर जाके आपसे मिलते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत लॉन्ग हो चुका है वीडियो, वैसे तो इस ठुक गया। तो चलते हैं सीधा हमारा जो घर है वहाँ पर जाके देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं हमारे घर में उसी जगह पे, तो अब सीधा यहाँ पर पार्क कर देते हैं कार को। रुक जा, बस फिर से मैं आगे की तरफ आ चुका हूँ, जल्दी 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 जल्दी, यहाँ पर 50% होने ही वाला है। तो यहाँ पर से 50% ने कम्प्लीट कर दिया। पीओ वी मेट इट ए लिटिल मोर एंड द फायर कुड हैव स्प्रेड टू नेबर हाउसेस, ग्रेट जॉब, द चेयरमैन ऑफ द विलेज काउंसिल अवार्डेड अस ए बोनस फॉर द कंट्रीब्यूशन टू नेक्स्ट फायर, देयर इज योर शेयर, टेक इट, दिस इज इट्स टाइम टुडे, सी यू लेटर, बाय, सी यू। तो वैसे मिशन कंप्लीट हो चुका है, हमें मिल चुकी है 27,500 रूबल। तो अब हमारा नेक्स्ट जो काम है वो है जाना गैरेज में और वापस जाके हमारा जो कार है उसे मॉडिफिकेशन करना। तो चलते हैं सीधा एक चुटकी में हमारे जो गैरेज है वहाँ पर, इगोर की गैरेज में। यहाँ पर हम आ चुके हैं इगोर के गैरेज में, अब देखते हैं, इगोर के गैरेज अभी नहीं रहा क्योंकि इगोर अभी यहाँ पर से जा चुका है। यहाँ पर से पहले जो 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 खराब हो चुका है हमारा पार्ट्स वो सब ठीक कर लेते हैं, रिपेयर कर लेते हैं, हो चुका है। अब देखते हैं कौन कौन सी चीज़ हम कर पाते हैं। यहाँ पर से मैंने बहुत सारा रेस खेल चुका हूँ जिसके दौरान मेरा जो रेटिंग लेवल है वो 5 हो चुका है और हमें बहुत सारे चीज़ नया नया लगाने को मिलेगा। यहाँ पर से पहले मैं सोच रहा हूँ एक इंजन को अपग्रेड कर लेते हैं, तो यहाँ पर से 2012 जो ड्रिफ्ट है उससे एक मैं ये खरीद लूँगा, ये जो क्या कहते हैं इंजन, इसे तो यह प्रोसेस हो रहा है। तो देखते हैं कितने खर्च होता है इसे बैठाने के लिए, पहले तो इसे मैं कर लिया, अब शायद से मुझे इसे लगाना पड़ेगा इसका जो, ओ यहाँ पर से देखो 1,10,000 डॉलर, मतलब 1,10,000 में आ रहा है एक इंजन, वहाँ पर रेट बहुत ही महंगा है। तो अब चलते हैं सीधा मॉडिफिकेशन की तरफ, ये सब नहीं लगा सकते हैं, बहुत ही मतलब महंगा होगा। तो अब चलते हैं सीधा मॉडिफिकेशन की तरफ, जो ट्यूनिंग, तो अब यहाँ पर आ चुका है टायर्स में ये नया है और ये एक नया आ चुका है, ये देखो चेन सा लगा हुआ है। तो देखते हैं, शायद से ये तो मुझे खास नहीं लगा पर लगा लेते हैं, वैसे भी नया टाइप है। तो यहाँ पर से इसे 10 ड्रिप में खरीदते हैं जल्दी से, यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रहा है तो जल्दी से इसे कर लेते हैं। यहाँ पर से हो चुका है, अब ये इन्होंने खरीद लिया, देखा नहीं कितना में आ रहा है। तो वैसे भी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, शायद से 2.5 लाख रुपये है। यहाँ पर से 2 मतलब नया क्या कहते हैं उसे रिंस है, तो इसमें से बीच वाला मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसे मैंने खरीद लिया, ऐसे मतलब प्रोसेस के लिए दिया है। यहाँ पर से बाई कर देते हैं, अब 8,700 में आ रहा था, इसे मैंने लगा लिया है, देखो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट आइटम हमारा जो है ट्रंक, यहाँ पर बहुत सारे हैं, ये देखो ये पहला वाला था और ये सेकेंड और ये थर्ड और ये लास्ट, ये थर्ड वाला अच्छा लग रहा है पर उतना ज़्यादा नहीं है, बस थर्ड वाला ले लेते हैं, मतलब एकदम लास्ट में जो आ रहा है फोर्थ वाला, तो इसे फोर्थ में से फोर्थ ही ले लेते हैं।
पेपर से मैंने इसे प्रोसेस के लिए दे दिया ड्रिप से। अब इसे खरीद लिया जल्दी से, और यहाँ पर से खरीद लिया। अब कुछ ही चीज़ बाकी है यहाँ पर से, ये तो कुछ नहीं है अभी तक, नहीं खुला है यहाँ पर से। और एक ये चीज़ है, वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, बाद में कैसे खरीदेंगे जो आप अच्छी आ जाए। तो ये पीछे वाला भी उतना अच्छा नहीं लग रहा खास, तो यहाँ पर से इसे रहने देते हैं। अब नेक्स्ट मिशन की तरफ आ चुके हैं। ये कौन सी चीज़ है, ओ यहाँ पर साइड में, ये इसे खरीद लेते हैं। मतलब पैसा जब तक है मतलब खरीद लेते हैं, अच्छी दिखेगा। तो यहाँ पर से इसे भी खरीद लिया, अब इसे बाई कर लेते हैं, हो चुका है। अब दो तीन ही चीज़ बाकी है, और यहाँ पर ये कौन सी चीज़ है पता नहीं, ये कहाँ पर है, ओ ये चीज़, ये खरीदूँ या ना खरीदूँ, बाद में खरीदेंगे इसे, अच्छी वाली जब आएगा तब उसे खरीद लेंगे। तो यहाँ पर से सब कुछ हो चुका है, अब देखते हैं सामने की तरफ भी हो चुका है। अब ये तो मैंने खरीद लिया, इसे लगा देते हैं। जब मैंने खरीद तो लिया था पर मैंने लगाया नहीं, अप्लाई नहीं किया था, जैसे अप्लाई कर लेते सब कुछ। वो अब हो चुका है, ये देखो कैसा लग रहा है, मेरा कार पूरा चेंज हो चुका है, टायर्स देखो कैसा लग रहा है यार। तो यहाँ पर सब कुछ हो चुका है। अब यहाँ पर जो सीट्स है इसे भी खरीद लेते हैं, ओ अच्छी लग रही है यार लाल कलर, तो इसे मैंने अनलॉक कर देते हैं जल्दी से 10 ड्रिप्स के साथ। अब इसे खरीद लेंगे, बस ये सभी खरीदने, ओ नॉट इनफ मनी शीट यार, हमारे पास मतलब 50,000 रुपीस भी नहीं है, मतलब कितने गरीब हो चुका है। तो बस इस तरह इतना ही था, अब क्या कर सकते हैं शीट यार। यहाँ पर से दो तीन यहाँ पर चाबियाँ लगा सकते हैं, चाबियाँ नहीं है सामने की तरफ जो होता है ना वो से लगा सकते हैं। तो बस ये सभी था, अब सीधा यहाँ पर से निकलते हैं। तो यहाँ पर हम बाहर की तरफ आ चुके हैं, अब साइड से आपको एक बार लुक देते हैं, मतलब व्यू देते हैं। ये देखो ये साइड का व्यू है, अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके हमारा जो लाइट है उसे ऑन करते हैं, बाहर आके आपको दिखाते हैं। मतलब ऊपर की तरफ लाइट भी लग चुका है, तो देखते हैं, मैंने अभी तक नहीं देखा कैसा लग रहा है। तो ऊपर की लाइट उतना मतलब रोशनी नहीं दे रहा, मतलब थोड़ी सी लो है, सिर्फ शो ऑफ के लिए है, मतलब नीचे की लाइट से ही ज़्यादा काम किया है। तो बस इस पार्ट में बस इतना ही। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाओ उससे बता देना। इस पार्ट में कुछ खास नहीं किया, बस ये जो हमारा कार है इसे अपग्रेड किया है, ये सभी अच्छा था और मिशन वगैरह किया था। तो हमारा जो कार का नया लुक है वो आपको कैसा लगा वो कमेंट सेक्शन में जाओ उससे बता देना। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और भाई को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब भी कर देना। अब जानते हैं सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है, कर दो प्लीज़। तो आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।